चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करिए। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। पहले इरफान की बात कही है कि इरफान कहता है कि उसके पास 7 ज्यादा मार्बल्स हैं परमिट के 5 टाइम्स से। तो हम इसमें जो मानेंगे परमिट के मार्बल्स, हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट हैज इक्वल्स टू एक्स। और इरफान की तो ऑलरेडी दी है, इरफान हैज 37 मार्बल्स। हाउ मेनी मार्बल डज परमिट के हमें मार्बल्स निकालने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि इरफान है सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, मोर के लिए प्लस 7 कर लिया, देन 5 टाइम्स एक्स का होगा। और इसकी हमारी इक्वेशन बन गई इरफान हैज, ये जो ये हमने बनाया ये मार्बल तो इरफान के पास है। अब आपको पता है इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं हमारे वेरिएबल और यहां पर होते हैं कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड और ये होते हैं नंबर्स। तो वेरिएबल्स मतलब कि नंबर्स हमारे हमेशा यहां से राइट में जाते हैं, वो भी माइनस है तो प्लस होके, और प्लस है तो इधर माइनस में जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक हो गया 5x इक्वल्स टू 37 माइनस 7, यहाँ पर चला गया ये। अब ये मल्टीप्लाई में है तो x आ गया हमारा 30, मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड में, तो यहाँ पर 5, 5, 6, 30, x आ गया हमारा 6, मतलब कि नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट हैज 6। नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर की एज दी है 49 ईयर्स के वो है, और ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स में 4 ऐड कर दिया गया है। व्हाट इज लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज क्या है? तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे लेट लक्ष्मीज एज बी एक्स इक्वल टू एक्स ईयर्स। और लक्ष्मी के जो फादर की एज है, लक्ष्मीज फादर एज इज इक्वल्स टू 49 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि ही इज 4 ईयर ओल्डर, ओल्डर के लिए हम प्लस कर देंगे, ही इज 4 ईयर ओल्डर 3 टाइम्स, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स हो गया 3x। और हमारी इक्वेशन क्या बन गई? सो इक्वेशन बिकम्स 3x प्लस 4, ये किसकी एज है? इक्वल्स टू 49, लक्ष्मी के फादर की एज है ये। अब ये आ गया 3x इक्वल्स टू, नंबर हमारे राइट साइड को चले जाते हैं तो ये प्लस है माइनस में जाएगा, 3x इक्वल्स टू आ गया हमारा 45, x इक्वल्स टू 45 अपॉन 3, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 5 15, तो ये हमारा काट करके 15 आ गया, x इक्वल्स टू 15, द एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 ईयर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में कहा गया, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्री इन अ विलेज गार्डन, सुंदरग्राम के लोगों ने गांव के एक गार्डन में ट्री लगाए, सम ऑफ द ट्री वर फ्रूट ट्री, उसमें से कुछ फ्रूट ट्री थे, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर, मतलब कुछ फ्रूट ट्री थे कुछ नॉन फ्रूट ट्री थे। आगे कहा गया द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। देखिए ये इक्वेशन हमें जब बताई गई है तो पहले नॉन फ्रूट ट्री की बात हुई फिर फ्रूट ट्री, तो इसमें हमने फ्रूट ट्री मानने हैं। द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड बी एक्स, आगे दिया है व्हाट वर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड इफ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री दिए गए हैं हमें 77। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया है हमारा, इसमें हमें कहा गया है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 मोर के लिए प्लस 2 करेंगे, देन 3 टाइम्स द फ्रूट ट्री, 3 टाइम्स फ्रूट ट्री एक्स है तो 3 टाइम्स 3x, और इसी से हमारी इक्वेशन बन जाती है 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री दिए हुए 77। इक्वेशन हमारी ये बन गई है। आगे हम करेंगे 3x equals to 77 minus 2, 3x equals to 75,
एक्स इक्वल टू 75/3, यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, या फिर हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 6, 3 5 15, एक्स इक्वल्स टू 25, ये आंसर आ गया हमारा, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड अ 50। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। अब हम सबसे पहले, हमें नंबर नहीं पता तो हम नंबर मान लेंगे। फर्स्ट आ गया हमारा इसमें लेट नंबर भी इक्वल्स टू एक्स, हमारा नंबर एक्स आ गया। अब सेकंड में यह हमें कह रहे हैं टेल मी माय आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स। अब इसका आ गया टेक मी 7 टाइम्स, तो मतलब नंबर एक्स है तो 7 टाइम्स हो गया इसका 7x। अब आ गया एंड एड अ 50। अब 7 टाइम्स जो ये है इसमें हमने क्या कर दिया, 7x + 50। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन बन गई, हमारी फर्स्ट ये आ गई, फिर इसका हमने ये ले लिया और एड अ 50 सेकेंड हमने, यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन गई। आगे ये बोल रहे हैं टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी हुई, सेंचुरी होती है हमारी 100 की एंड ट्रिपल सेंचुरी होती है हमारी 300 की। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, मतलब कि ट्रिपल सेंचुरी, इन दो का हम यहाँ करें, ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने के लिए ये तो इक्वेशन बन गई भी है, आपको यू स्टिल नीड 40, आपको 40 और जरूरत है, 40 की जरूरत है, तो 40 हम यहाँ प्लस कर लेंगे। देखिए फिर से समझिए, आई एम अ नंबर, नंबर हमने एक्स मान लिया, टेल माई आइडेंटिटी कि मेरी आइडेंटिटी बताओ, टेक मी 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स ले लिया, एड अ 50, 7 टाइम्स में हमने 50 प्लस कर दिया। अब आगे बोला टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, सेंचुरी 100 की होती है, ट्रिपल सेंचुरी होगी हमारी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 300 लिख दिया और ये हमने वापस लिख दिया इधर, बाकी है यू स्टिल नीड 40 कि ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए आपको 40 की जरूरत है, तो हमने इसमें 40 ऐड कर दिया, 7x + 90 = 300, 7x = 300 - 90, 7x आ गया हमारे, इनको लेस किया तो ये आ गया हमारा 210, x आ गया हमारा 210/7, 7 3 = 21, ये 0, या डिवाइड कर लीजिए, 7 3 = 21 और ये 0, 7 0 = 0, इस तरह से 7 1 = 7, तो x आ गया हमारा 30, ये हमारा आंसर आ गया।